सब्सक्राइब कीजिए टेकजोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकजोन राघव। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज इन HTML। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है HTML के वेब पेज में, ये बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई किया जाता है HTML के वेब पेजेस में, राइट? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटपैड और वेब ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ सिंपली, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल समझने में आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो एक पेज आपका यहाँ पर नोटपैड का है जिसको हमने वेब पेज के नाम से सेव कर रखा है और इसका टाइटल दे दिया है बैकग्राउंड कलर, क्लियर। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो इस पेज का ऑलरेडी हमने यहाँ पर टाइटल दे रखा है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे जो कुछ अप्लाई करना है अभी मैं करता हूँ, क्लियर। आज का हमारा टॉपिक है पेज को कलर कैसे करना है, मीन्स टू से हमारे वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है ये हमारा बाय डिफॉल्ट वाइट है। आप देख सकते हो ये वाइट कलर है, इसको सिंपली मुझे कलर लगाने हैं। सपोज़ कीजिए मुझे इस पेज के कलर को रेड करना है, तो मुझे कौन से जगह पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है ताकि हमारा ये पेज हमारा कलर हो जाए, क्लियर, रेड हो जाए। तो गाइज बहुत ईजी है, सिंपल है, आपको कर्सर को बॉडी सेक्शन के पास ले जाना है, ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ थोड़ा बहुत आपका एडिट होना है, क्लियर। आप स्पेस दीजिए और यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाना है Bgcolor, राइट, Bgcolor। Bg स्टैंड फॉर बैकग्राउंड और कलर, क्लियर। कलर का स्पेलिंग COLOR होता है इसमें, तो आपको यहाँ पर लगा करके इज इक्वल टू देना है और आपको जो भी कलर आप चाहो, सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेड दे करके सिंपली यहाँ पर एंगुलर्स को क्लोज कर देता हूँ और सिंपल हम पेज को क्या करते हैं सेव, ठीक है, और आप ब्राउज़र पे जा करके रिफ्रेश कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इस ब्राउज़र का जो हमारा पेज है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट से रेड हो गया, क्लियर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डियर, बॉडी सेक्शन में ही आपको ये चीज़ लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बॉडी सेक्शन में आपको लगाना है। अगर आप बॉडी सेक्शन में नहीं लगाओगे तो आपका कलर नहीं होगा, ये आपको बॉडी सेक्शन में ही इसको लगाना है, क्लियर, सिंपल सा। अब सपोज करो कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस एट्रीब्यूट को देना बहुत ही ज़रूरी है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, और यहाँ पे आप कलर अपना अपने मुताबिक डाल सकते हो। सपोज कीजिए आप, चलिए या फिर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, और पेज को मैं सेव करता हूँ। गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एंड देन रिफ्रेश योर पेज, क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पेज ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ न्यू बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए इस बॉडी के कंटेंट को मैं यहाँ पे माय फर्स्ट पेज वेब पेज कर देता हूँ, ठीक है, आप फाइल करके आप सेव कीजिए, उसके बाद आप रिफ्रेश कर लो। हमारा कंटेंट तो यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, लेकिन एक लॉजिक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे चाहिए कि ये ब्लू वाले वेब पेज में मुझे रेड कलर का टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका ये ब्लू पेज पे आपका ये रेड टेक्स्ट आपको करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी बॉडी सेक्शन में आपको इस जगह एडिट कर देना है और स्पेस देना हो और यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा देना है टेक्स्ट का, क्लियर। उसके बाद इज इक्वल टू दीजिए, अब आप टेक्स्ट का कलर जो आप चाहते हो वो करो। मैंने बोला रेड, तो चलिए मैं रेड करके यहाँ पर सिंपली क्लोज करता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पेज का कलर ब्लू हो गया और पेज के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है, कंटेंट है, इसका कलर आपका रेड हो गया, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जो कुछ भी पेज लगाने हैं, पेज बनाने हैं, कलरफुल पेज बनाना है, कलर टेक्स्ट करना है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। ये एक लाइन में आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके नीचे जो भी कंटेंट आप यूज़ करो, वो आपका जो भी टेक्स्ट कलर आप करोगे, वो टेक्स्ट कलर में आपका वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप ये वीडियो पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ और टेक्निकल वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुँचता रहे।
फिर मैं मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।